25 जुलाई को माता कलिसिया 12 प्रेरितों में से एक संत संत याकूब का त्योहार मनाती है। याकूब को दूसरे शब्द में जेम्स भी कहते हैं। इनका जन्म गलीलिया के बेतसाइदा में हुआ था। ये जबेदी और सलोमी के पुत्र थे। संत योहन प्रेरित इन्हीं का भाई था। ये पेशे में मछुए थे और बड़े स्तर पर मछली मारने का काम करते थे। ये संत सिमोन पेत्रुस और उसके भाई अंद्रियास के भी साझेदार थे। एक दिन जब संत याकूब अपने पिताजी जबेदी और भाई योहन के साथ जाल मरम्मत कर रहे थे, यीशु उन्हें और उसके भाई को देखा और अपना शिष्य बनने के लिए निमंत्रण दिया। संत याकूब अपने भाई के साथ अपना सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु इन्हें और इनके भाई में उत्साह और जोश भरा स्वभाव देखकर इन्हें गर्जन का पुत्र उपनाम दिया था। यीशु के 12 प्रेरितों में 3 खास प्रेरित थे। उनमें से संत याकूब भी एक था। प्रेरितों में उन्हें खास इसलिए कहा जाता था क्योंकि सुसमाचार में 3 ऐसा खास जिक्र है जहां उन तीनों 3 करीबी प्रेरितों को यीशु अपने साथ होने का सौभाग्य दिया था। एक है जैरुस की बेटी को जीवन दान देने के समय, दूसरा तबोर पर्वत पर यीशु के रूपांतरण के समय, और तीसरा गेतसमनी बारी में यीशु के प्राण पीड़ा के समय। उनको खास बनाने के पीछे यीशु ख्रिस्त का एक ही मकसद था कि वे यीशु और उसके मिशन को गहराई से जाने और यीशु के बाद उनके मिशन को जारी रखने में अपना योगदान दे सके। इनके अलावा सुसमाचार में और एक जगह याकूब का जिक्र मिलता है। जब यीशु अपने शिष्यों को अपने दुख भोग और मरण और पुनरुत्थान के बारे में शिक्षा दे रहे थे, तब संत याकूब उसका भाई योहन अपनी माता के साथ यीशु के पास आए और एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी आग्रह किया। वह आग्रह था कि यीशु जब अपने राज्य की महिमा में आएंगे, उस समय अपने महिमा में अगल बगल बैठने का अधिकार इन दोनों भाइयों को मिले। यीशु ख्रिस्त उन्हें बताए कि यह एक गंभीर बात है। पता नहीं वे इसका मतलब को समझते हैं या नहीं। यीशु उनसे पूछते हैं, क्या वे उस प्याला को जिसे यीशु खुद पीने वाले हैं पी सकते हैं? वे बड़ी तत्परता से जी हां में जवाब दिए। पर यीशु स्पष्ट करते हैं कि वह स्थान देने का अधिकार उनका नहीं है, पिता ईश्वर इसका निर्णय लेते हैं। इसी संदर्भ में यीशु ख्रिस्त उन्हें और अन्य प्रेरितों को ईश्वरीय दृष्टि में महान और बड़ा बनने का रहस्य को उजागर करते हैं। वे कहते हैं, उनमें जो बड़ा होना चाहते हैं वह सबका सेवक बने, निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की सेवा करें। स्वर्ग राज्य में सुख पाने की लालसा की पूर्ति किसी की सिफारिश पर नहीं बल्कि सेवा की भावना और निस्वार्थ प्रेम से हो सकती है। इस तरह संत याकूब की महत्वाकांक्षी होने की भावना हमारे और अन्य लोगों के लिए बड़ा रहस्योद्घाटन का अवसर बनता है। परंपरा हमें बताती है कि पेंतेकोस्त के बाद संत याकूब यहूदिया और आसपास के क्षेत्रों में घूम घूम कर सुसमाचार और यीशु की शिक्षा का प्रचार किया। वे स्पेन देश भी गए और पूरे उत्साह और जोश के साथ वहां सुसमाचार का प्रचार किए। यीशु के साथ रहकर जो उन्हें अनुभव और सीख मिली थी, उन्हें निडर होकर लोगों को बताया और उन्हें स्वर्ग राज्य के हकदार होने के लिए प्रेरित किया। हेरोद अग्रिप्पा अपने स्वार्थ और घमंड के कारण यीशु ख्रिस्त के शिक्षाओं का कट्टर विरोधी था। संत याकूब को गिरफ्तार करवाया और उनका सिर कटवा दिया।
इस तरह जाने अनजाने संत याकूब ने जो यीशु के प्याला पीने की बात की थी उसे पूरा किया और प्रेरितों में प्रथम शहादत का गौरव पाया।